शहर में अभी कुछ दिनों पहले ही हुक्का बार का प्रचलन तेजी से पैर पसारा है। देखते ही देखते शहर में कई हुक्का बार खुल गए जिसमें नौजवान पीढ़ी अपनी खुशियां तलाश कर रही हैं। लेकिन कई दिनों से पुलिस को इन हुक्का बारों के खिलाफ शिकायतें भी मिल रही थी। शिकायतों के मद्देनजर एसपी सिटी के अगुवाई में गोरखपुर के कई हुक्का बारों में सघन चेकिंग अभियान किया गया। तलाशी अभियान में एसपी सिटी विनय कुमार सिंह के साथ सीओ कैंट प्रभात कुमार राय सहित भारी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिन्होंने इन हुक्का बारों में छापेमारी करके गहन तलाशी ली। इस अभियान में पुलिस ने हुक्का में प्रयोग किए जाने वाले फ्लेवर्स के सैंपल लिए और साथ ही कुछ नवयुवकों की तलाशी भी ली। हुक्का बार में इस अचानक पुलिसिया हंटर बरसने से कई बार पुलिस की सूचना मिलते ही बंद कर दिए गए। दरअसल आए दिन इन हुक्का बारों से ये खबर आ रही थी कि निर्धारित 18 साल की उम्र से कम के स्कूली बच्चे इसमें जाते हैं, जिसके मद्देनजर ये अभियान चलाया गया। एसपी सिटी के नेतृत्व में मंगलम टावर में स्थित हुक्का बार की चेकिंग की गई, साथ ही गांधी गली और जीडीए टावर के भी हुक्का बारों को खंगाला गया। पुलिस की इस कार्रवाई में सभी हुक्का बारों के लाइसेंस भी बकायदा चेक किए गए। निकोटीन 0.5% फ्लेवर 5% कंपोनेंट्स अंदर चल के देख लीजिए फ्लेवर उधर जगह नहीं है खुला है नहीं अच्छा मैं भी फोन सर 0.5 और बबल गेम यूज करते हैं इसके साथ गाड़ी में बात कर रहे हैं नहीं नहीं राइट नहीं कोटी जोर बात कर 0.5 कैसी सैंपल फ्लेवर अच्छा अरे कुछ से वो तो ना फिर कोटी कोटी सर क्योंकि सर ये जो बिजनेस का ये थी ये ऐसे मतलब इट्स नॉट बिजनेस 12 वैल्यू प्लस है आप देखो स्टोर्स से हैं ये भी हमारी बहुत नहीं ये मारने वाला पंच ये ऐसे लगा के मारते हैं अरे ये तो मारने वाला है सर हम मारने के लिए रखे सर गिरा हुआ गाड़ी अब सुनो जब तक इसका एक नहीं आता है तब तक उन लोगों को खाने को मैं तो उसको बुला इस अभियान के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा कि सैंपलिंग कर ली गई है जिसे जांच के लिए भेजा गया है। रात में शहर में संचालित कई हुक्का बार पे छापेमारी की गई, वहाँ चेकिंग की कार्रवाई की गई,
देर हो जाने के कारण अधिकांश हुक्का बार बंद पाए गए। यह छापेमारी लगातार जारी रहेगी और उसके नियमित चेकिंग की जाएगी और जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं फूड ट्रक लाइसेंस वाले उनसे भी अनुरोध किया जाएगा कि यह हुक्का बार या मतलब इनका लाइसेंस है या जो संचालित हो रहे हैं वैधानिक हैं गैर वैधानिक हैं तदनुरूप फिर इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ फ्लेवर मिले वहाँ पर? हाँ फ्लेवर मिले हैं, उस पर 0.5% निकोटीन लिखा हुआ है, उसको भी हम जाँच के लिए ड्रग और